प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पाल माई नॉलेज टू यू YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज हम हिंदी के लेटर्स यानी कि हिंदी वर्णमालाओं को सीखेंगे जो नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो अच्छे से देखें, केयरफुली वो बच्चे इस वीडियो को स्पेशली देखें जो बच्चे फेस करते हैं हिंदी वर्णमालाओं को लिखने में और बोलने में। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से किस प्रकार बोलते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम सीखेंगे स्वर अक्षरों को यानी कि वावेल्स को। वावेल्स में स्वर में सबसे पहला अक्षर आता है अ। अ लिखने के लिए इस प्रकार एक श्वेप विक्षेप, उसके बाद फिर से उसी प्रकार का एक शेप करके आप ऊपर की ओर ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए। इसके बाद एक सीधी लाइन, इस तरह से हॉरिजेंटली एक लाइन बीचों बीच से आप खींच दीजिए। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली एक लाइन इस प्रकार खींचिए और ऊपर से एक और हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार आप खींचेंगे तो बनेगा हमारा अक्षर अ। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद। अगला अक्षर है अ की तरह ही दूसरा अक्षर आ। आ लिखने के लिए भी सबसे पहले हम अ लिखेंगे। ये अक्षर हमारा अ बन गया। अ के साथ में एक और वर्टिकल लाइन अगर हम इसके पास ऐड कर देते हैं इस प्रकार, और ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन अगर हम इस प्रकार खींच देते हैं तो हमारा अक्षर बनता है आ। आ से आम, आ से आश्रम, आ से आग। इसके बाद हमारा अक्षर है ई। इस प्रकार एक ऊपर से पहले हॉरिजेंटल लाइन, उसके बाद एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, इसके बाद यहाँ से एक इस प्रकार शेप करके फिर से इस शेप को दूसरी ओर इस प्रकार घुमाकर नीचे की ओर इस प्रकार लाकर इस तरह के शेप में अक्षर बनेगा ई। ई से इमली। अगला अक्षर है ई। ई लिखने के लिए भी ई पहले लिखते हैं। इस प्रकार हमने लिखा ई। ई के ऊपर इस तरह की एक शेप बनाने पर अक्षर बनता है ई। ई से ईख। इसके बाद हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ लिखने के लिए भी इस प्रकार एक शेप बनाइए। शेप बनाने के बाद ऊपर की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है ओ। ओ से उल्लू। अगला अक्षर है ऊ। ऊ लिखने के लिए भी छोटा ऊ लिखते हैं। इस प्रकार छोटा ऊ लिखा। इसके बाद
यहाँ से इसके सेंटर से इस प्रकार घुमावदार एक आकृति बनाने पर हमारा अक्षर बनता है ऊ, ऊ से ऊंट। के बाद हमारा अक्षर आता है री। री लिखने के लिए भी सबसे पहले एक वर्टिकल इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, फिर इस प्रकार घुमाकर, इस प्रकार, फिर इस प्रकार ऊपर ले जाकर इस तरह, फिर इस प्रकार लिखेंगे और ऊपर की ओर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है री। री से ऋषि। इसके बाद हमारा अक्षर है ए। ए लिखने के लिए भी हम इस प्रकार के शेप बनाकर एक और उसी के पास एक और लाइन इस प्रकार ऐड करते हैं और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींच देते हैं तो अक्षर बनता है ए। ए से एड़ी। अगला अक्षर है ए। ए लिखने के लिए ए सबसे पहले लिखते हैं ये अक्षर बन गया हमारा ए। ए के ऊपर यहाँ से आप इस प्रकार के शेप में अगर आप इस प्रकार का शेप अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो हमारा अक्षर बनेगा ए। ए से ऐनक। हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ लिखने के लिए जैसा मैंने बताया था अ लिखना बताया था अ लिखेंगे। ये अक्षर बन गया हमारा अ। अ के साथ में ही एक और लाइन हम इस प्रकार वर्टिकल लाइन अगर हम खींचते हैं और ऊपर इस तरह प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक और खींचते हैं और ऊपर की ओर इस प्रकार अगर हम इस प्रकार मात्रा अगर हम लगाते हैं तो वो अक्षर हमारा बनता है ओ। ओ से ओखली। अगला अक्षर है औ। औ लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अक्षर अ। ये अक्षर बन गया हमारा अ। अ के साथ में एक और हम लाइन इसमें ऐड करते हैं और इसके ऊपर हम इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचते हैं और ऊपर इस प्रकार हम एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा अगर हम इस प्रकार लगाते हैं तो अक्षर बनता है औ। औ से औरत। औ से औरत। इसके बाद हमारा अक्षर आता है अंग। सबसे पहले हम अक्षर अ लिखेंगे। इस प्रकार हमने अ लिखा। अ के ऊपर इस प्रकार एक बिंदी देने पर अक्षर बनता है अंग। अंग से अंगूर। इसके बाद हमारा अक्षर आता है अह। इस प्रकार हम सबसे पहले अक्षर अ लिखेंगे।
अ के साथ में ही दो इस प्रकार की बिंदी लगाने पर हमारा अक्षर बनता है अह अह। तो यहाँ पर हमारा स्वर अक्षर समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे व्यंजन अक्षरों को सीखने के लिए। अक्षर व्यंजन अक्षर में हमारा पहला अक्षर आता है क। सबसे पहले हम इस प्रकार एक वर्टिकल लाइन खींचकर यहाँ से इसके सेंटर से इस प्रकार हम एक गोला बनाकर उसके दूसरी ओर एक अर्धगोला इस शेप में अगर हम लिखते हैं तो हमारा अक्षर इस प्रकार बनता है क। क से कबूतर, क से कलश, क से कछुआ, क से कप। अगला अक्षर हमारा आता है ख। ख लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार का शेप यूज करते हैं। इस प्रकार एक ये शेप, फिर वहीं से घुमाकर इस प्रकार घुमाकर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचकर ऊपर की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खत, ख से खटमल। इसके बाद हमारा अक्षर बनता है ग। ग लिखने के लिए यहाँ से एक इस प्रकार शेप बनाकर छोड़ देते हैं। फिर इसी के साथ में एक और वर्टिकल शेप में इस प्रकार एक लाइन इसी के साथ में बनाकर ऊपर से इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ग। ग से गमला, ग से गदा, ग से गधा, ग से गिलास। इसके बाद हमारा अक्षर आता है घ। घ लिखने के लिए हम इस प्रकार का शेप इसके बाद वहीं से बिना छोड़े ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से नीचे की ओर एक इस प्रकार वर्टिकल शेप वर्टिकल लाइन बनाने पर और इसी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है घ। घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घंटी, घ से घोंसला। इसके बाद हमारा अक्षर आता है अंग। अंग लिखने के लिए इस प्रकार एक छोटी सी वर्टिकल लाइन इसके बाद यहाँ से घुमाकर इस प्रकार हम ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ में ही यहाँ पर एक इस प्रकार बिंदी लगाने पर अक्षर बनता है अंग। इस अक्षर से कोई शब्द नहीं बनता है मगर इस बिंदी को यहाँ पर किन्हीं दो अक्षरों के बीच में ऊपर की ओर लिखने पर शब्द बनते हैं, जैसे अंग, रंग, संगम। हमारा अगला अक्षर है च। च लिखने के लिए हम इस प्रकार एक इस प्रकार की एक लाइन यहीं से इसको घुमाकर ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से नीचे की ओर लाकर एक और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने पर और ऊपर की ओर इस प्रकार एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने पर हमारा अक्षर बनता है च। च से अक्षर शब्द बनते हैं चम्मच, च से चिड़िया, च से चक्की, च से चाबी। इसके बाद हमारा अक्षर आता है छ। छ लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार का शेप यूज करते हैं। इस प्रकार एक छोटी लाइन यहीं से बाईं ओर ले जाकर इस प्रकार एक शेप बनाइए। शेप बनाकर वहीं से नीचे की ओर ले जाकर फिर से ऊपर की ओर इस तरह से घुमावदार एक इस प्रकार गोला बनाने पर और ऊपर की ओर
छोटा सा इस प्रकार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, फिर ऊपर की ओर इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने पर हमारा अक्षर बनता है छ। छ से छाता, छ से छिपकली, छ से छलनी, छ से छत। बाद हमारा अक्षर आता है ज। ज लिखने के लिए कुछ इस प्रकार का शेप यूज करके इस प्रकार, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ज। ज से जहाज, ज से जुराब, ज से जूता, ज से जड़। इसके बाद हमारा अक्षर है झ। झ लिखने के लिए जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था ई लिखना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई, एक छोटी लाइन। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार घुमा के इस प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे ई। यहाँ पर बीच से एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ऊपर से यहाँ से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन, फिर ऊपर से यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है झ। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झरोखा, झ से झूला। इसके बाद हमारा अक्षर आता है अणाखाली। इस प्रकार कुछ अक्षर होता है, यहाँ पर बीच में से इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर इस प्रकार वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे हमारा अक्षर बनता है अणाखाली। इससे भी कोई शब्द नहीं बनता, मगर इसको इस प्रकार अर्ध चंद्रबिंदी इसे कहते हैं, यानी कि अनुस्वार भी इसे कहा जाता है, अर्ध अनुस्वार। ऊपर दो अक्षरों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार लिखने पर हम कुछ इस प्रकार इनको उच्चारण करते हैं, जैसे चांद, माँ, भंवर। इसके बाद हमारा अक्षर है ट। ट लिखने के लिए भी हम कुछ इस प्रकार शेप यूज करते हैं, और ऊपर से इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ट। ट से टमाटर, ट से टब, ट से टहनी, ट से टोपी। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ठ। ठ लिखने के लिए भी हम ट की तरह ही शेप यूज करेंगे, तो इस प्रकार एक छोटी लाइन। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार घुमाकर एक गोला इस प्रकार लगाने पर ऊपर इस प्रकार एक हॉरिजेंटली लाइन लगाने पर अक्षर बनता है ठ। ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ठ से ठंडा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ड। ड लिखने के लिए भी जैसा मैंने ऊपर अंग लिखना सिखाया था अनुस्वार, वैसा ही कुछ लिखेंगे। सबसे पहले एक इस प्रकार वर्टिकल लाइन, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार के शेप में हम लिखते हैं, फिर ऊपर इस प्रकार एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ड। ड से डमरू, ड से डफली, ड से डोली, ड से डिब्बा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ढ। ढ लिखने के लिए हम इसी प्रकार कुछ शेप यूज करेंगे, एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार इस तरह का शेप बनाने पर
और ऊपर इस प्रकार एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढलान, ढ से ढोलक, ढ से ढोकला। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ण। ण लिखने के लिए कुछ इस प्रकार एक इस प्रकार का शेप लिखते हैं, फिर उसके पास में ही एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार खींचते हैं और इन दोनों के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर हमारा अक्षर बनता है ण। ण से शब्द बनते हैं कण, अणु, कीटाणु। बाद हमारा अक्षर आता है त। त लिखने के लिए भी सबसे पहले एक इस प्रकार एक वर्टिकल लाइन, इसके बाद यहां से बिल्कुल इसके बीचों बीच से इस प्रकार का एक शेप बनाते हैं। बनाने पर इसके ऊपर की ओर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है त। त से तरबूज, त से तोता, त से ताला, त से तितली। इसके बाद हमारा अक्षर आता है थ। थ लिखने के लिए इस प्रकार का एक शेप, ठीक है, सबसे पहले एक इस प्रकार का एक गोला बनाते हैं। बनाने पर ऊपर की ओर ले जाते हुए छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार खींचने पर और यहाँ से जहाँ से मैं ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से एक छोटी सी एक वर्टिकल लाइन खींचने पर शब्द बनता है, अक्षर बनता है थ। आपको इसमें नोट करना है कि थ के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है, क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है थ के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, क्लियर? इसके बाद हमारा अक्षर आता है द। द लिखने के लिए भी हम सबसे पहले एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, इसके बाद यहीं से शुरू करते हुए राउंडेड शेप में नीचे की ओर लाते हुए घुमाते हुए इस प्रकार नीचे हम लाकर छोड़ देते हैं और ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है द। द से दवात, द से दर्पण, द से दीपक, द से दरवाजा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ध। ध इस प्रकार कुछ हम गोला बनाकर इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाते हैं, फिर वहीं से घुमाकर नीचे की ओर लाकर ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर यहीं से एक नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन खींचकर ऊपर से यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है ध। ध के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं आती है, आपको ये ध्यान रखना है ध के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। ध से शब्द बनता है धनुष, ध से धन, ध से धुआं, ध से धरती। इसके बाद हमारा अक्षर आता है न। न लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार शेप यूज करते हैं, इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और फिर एक ऊपर की ओर हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार खींचने पर अक्षर बनता है न। न से नल, न से नथ, न से नदी, न से नाव। इसके बाद हमारा अक्षर आता है प। प लिखने के लिए हम इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर ले जाकर ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन, फिर ऊपर लेफ्ट से राइट की ओर एक हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार खींचने पर अक्षर बनता है प। प से पतंग, प से पपीता, प से पत्र, प से पत्थर।
प्याज। इसके बाद हमारा अक्षर बनता है फ। सबसे पहले हम एक इस प्रकार वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इसके बाद यहाँ से लाइन के लेफ्ट साइड में इस प्रकार के शेप में हम घुमाते हुए इसको इस प्रकार हम कुछ इस प्रकार इस शेप में लाकर हम छोड़ देते हैं। फिर ऊपर की ओर एक इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है फ। फ से फल, फ से फूल, फ से फव्वारा, फ से फावड़ा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ब। ब लिखने के लिए भी हम सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसके बीचों बीच से एक इस प्रकार का एक गोला बनाने पर और इसके इस गोले के बीच में ही एक लाइन इस प्रकार हम खींचते हैं और फिर ऊपर की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचने पर अक्षर बनता है ब। ब से बत्तख, ब से बैंगन, ब से बाल्टी, ब से बस। इसके बाद हमारा अक्षर आता है भ। भ लिखने के लिए हम इस प्रकार यहाँ से लेफ्ट की ओर ले जाकर फिर से राइट की ओर लाकर फिर राइट से सीधे नीचे की ओर लाकर फिर इसको फिर से इस प्रकार हम घुमाते हैं। घुमाते हुए फिर से राइट की ओर लाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार खींचकर फिर इसके बीचों बीच से हम एक छोटी सी हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं और फिर अक्षर बनता है भ। भ के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं आती है। आपको नोट करना है भ के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। तो भ से हमारे शब्द बनते हैं भ से भालू, भ से भारत, भ से भिंडी, भ से भवन। इसके बाद हमारा अक्षर आता है म। म लिखने के लिए हम इस प्रकार एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर फिर लेफ्ट की ओर इस प्रकार ले जाते हैं फिर लेफ्ट से फिर राइट की ओर छोड़ लाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से नीचे की ओर एक इस प्रकार लाइन फिर ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार खींचने पर हमारा अक्षर बनता है म। म से मछली, म से मोमबत्ती, म से मटर, म से मोदक। इसके बाद हमारा अक्षर आता है य। य लिखने के लिए हम इस प्रकार कुछ कर्वी शेप का यूज़ करते हैं। इस प्रकार ले जाकर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर इस प्रकार घुमा के फिर से हम राइट की ओर इस प्रकार नीचे की ओर लाकर ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से नीचे की ओर एक इस प्रकार एक वर्टिकल लाइन फिर ऊपर नीचे ऊपर की ओर इस प्रकार एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है य। य से यज्ञ, य से यान, य से यंत्र, य से योद्धा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है र। र लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार का सबसे पहले कर्वी शेप यूज करते हैं इस प्रकार फिर नीचे की ओर लाकर हम ऊपर की ओर इस प्रकार छोड़ देते हैं। फिर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी इस प्रकार खींचते हैं तब हमारा अक्षर बनता है र। र से राजा, र से रस्सी, र से राखी, र से रात। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ल। ल लिखने के लिए सबसे पहले एक इस प्रकार वर्टिकल लाइन, इसके बीचों बीच से ही एक इस प्रकार एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार टेढ़ी लाइन, फिर यहीं से इसको ऊपर की ओर ले जाकर नीचे की ओर इस प्रकार एक अर्ध गोला के शेप में हम बनाते हैं। फिर ऊपर की ओर इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर बनाने पर अक्षर बनता है ल। ल से लट्टू, ल से लकड़ी, ल से लड्डू, ल से लालटेन। इसके बाद हमारा अक्षर बनता है व।
वह लिखने के लिए भी हम सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट की ओर इस प्रकार एक अर्ध गोला बना एक गोला बनाने पर इस प्रकार एक गोला बनाने पर और ऊपर की ओर एक हॉरिजेंटल लाइन बनाने पर अक्षर बनता है व। व से वर्षा, व से वृक्ष, व से वक, व से वीणा। इसके बाद हमारा अक्षर आता है श। श लिखने के लिए हम इस प्रकार एक शेप बनाकर नीचे की ओर लाकर इस प्रकार छोड़ देते हैं, फिर इसी के पास में एक वर्टिकल लाइन और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पर अक्षर बनता है श। श से शलगम, श से शंख, श से शरीफा, श से शेर। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें तीन इस तरह के उच्चारण आते हैं श, श, स। तो आपको इनमें डिफरेंस आपको पता करना है कि कौन सा अक्षर कौन सा उच्चारण कर रहा है, ठीक है। अगला अक्षर है श। श से षटकोण होता है। ये वाला श लिखने के लिए हम प का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर प लिखा था, इस प्रकार का एक शेप, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन, फिर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीचों बीच में इसको हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार, आप देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार एक शब्द बनता है, अक्षर बनता है श। श से षटकोण। इसके बाद स। स में जीभ को हम दोनों दांतों के ऊपर के जबड़ों के बीच में, दांतों के बीच में हम लाते हैं, तब जाकर इसका उच्चारण निकलता है स। स लिखने के लिए हम सबसे पहले हमने ऊपर लिखा था र। र लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा र हो गया। र के बीचों बीच में इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है स। स से सपेरा, स से सर्कस, स से सात, स से सड़क। आपको समझ में आ रही होगी कि मैं किस प्रकार उच्चारण कर रहा हूँ। स, स कैसा उच्चारण आ रहा है, आप डिफरेंस पता कीजिए। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ह। ह लिखने के लिए भी हम सबसे पहले एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसके बाद वाई ओर ले जाकर फिर से राइट की ओर लाकर इस प्रकार छोड़ देते हैं, फिर यहां से इसको एक इस शेप में लाकर छोड़ देते हैं, फिर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने पर अक्षर बनता है ह। ह से हल, ह से हार, ह से हथौड़ा, ह से हाथी। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर में दो अक्षरों को मिलाकर लिखा जाता है, जिससे संयुक्ताक्षर यानी कि दो अक्षरों को मिलकर जो अक्षर बनता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं। संयुक्ताक्षर में पहला अक्षर आता है अक्ष। अक्ष लिखने के लिए एक इस प्रकार वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के बीचों बीच से इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाकर फिर से घुमाकर इस प्रकार छोड़ने पर फिर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर अक्षर बनता है अक्ष। अक्ष से शब्द बनते हैं कक्षा। क्षत्रिय, क्षेत्रफल। यहाँ पर अक्ष, ये अक्षर क और श दो अक्षरों से मिलकर बना होता है।
इसके बाद हमारा अक्षर आता है त्र। त्र लिखने के लिए एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के बीचों बीच से यहाँ पर बीचों बीच लाकर फिर से यहीं से घुमाकर इस प्रकार छोड़ने पर और ऊपर इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने पर अक्षर बनता है त्र। इसमें त और र का संयुक्त अक्षर है। इस अक्षर को लिखने के लिए त और र दोनों अक्षरों को मिलाया गया है, इससे बनता है त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से पत्र। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ज्ञ। ज्ञ लिखने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन, इसके बीचों बीच से इस प्रकार लेफ्ट की ओर ले जाकर नीचे इस प्रकार घुमाकर इस प्रकार घुमाकर इस तरह के शेप में फिर ऊपर की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर इससे हमारा बनता है अक्षर ज्ञ। ज्ञ अक्षर ग और य इन दोनों अक्षरों को मिलकर बना है, तो ज्ञ से शब्द बनते हैं ज्ञानी, पुस्तकों से मिलता ज्ञान। इसके बाद हमारा अक्षर आता है श्र। श्र लिखने के लिए भी हम सबसे पहले वर्टिकल लाइन, इसके बाद इसके बीच से ही इसके ऊपर की ओर ले जाकर इस प्रकार एक छोड़ देंगे, फिर इसके यहीं से एक और लाइन हम इस प्रकार लाकर बनाएंगे, फिर ऊपर इसमें इस प्रकार एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे हमारा अक्षर बनता है श्र। ध्यान दीजिए, इस पर भी पूरी लाइन नहीं आती है। ये अक्षर श और र, श्र दोनों अक्षरों से मिलकर बनता है श्र। श्र से श्रमिक, श्र से आश्रम। इसके बाद हमारा अक्षर आता है ळ। ळ लिखने के लिए हमने ऊपर पढ़ा था, लिखा था ड। ड अक्षर सबसे पहले लिखेंगे, ड के नीचे इस प्रकार एक बिंदी लगाने पर अक्षर बनता है ड। ड से सड़क, जड़, ऐसे शब्द बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला अक्षर है ढ। ढ लिखने के लिए भी हम जहाँ पर हमने ढ लिखा था सबसे पहले हम लिखेंगे ढ। इस प्रकार हम लिखेंगे ढ। ढ के नीचे हम इस प्रकार बिंदी लगाने पर और ऊपर की ओर इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने पर अक्षर बनते हैं ढ। ढ से शब्द बनते हैं पढ़, चढ़, पढ़, चढ़। तो यहाँ पर हमारा संयुक्त अक्षर समाप्त होता है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।